बैड कंपनी, मतलब इसको मिल जाए तो पर लग जाने क्या बनता। मैं क्या कहूँगा इसको, ये तो थप्पड़ मारने की जगह भी नहीं चेहरे पे, कहाँ मारूँ। अभी तक की मतलब स्ट्रगल में ना मैं मेंटली भी और फिजिकली भी बड़ा थक चुका। मेरा एक सिंगल बेटा है, एक ही बेटा मेरा है। कोई भी किसी टाइम पे भी इसकी ये ना इसमें नॉर्मेलिटी आ सकती है, जैसे कि बोलना बंद हो जाना, आंख की नज़र का चला जाना, कुछ कोमे में चला जाना, वो भी उस ट्यूमर की वजह जो ब्रेन के नीचे जो मेज़बान ज़ुबैर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा होमकास्ट का लेटेस्ट एपिसोड। तो नाज़रीन, जिस तरह कि हम पहले फ़नी पॉडकास्ट करते थे, तो आज हमारी जो पॉडकास्ट का जो एपिसोड है वो फुल संजीदा टाइप ही होने जा रहा है। तो मेरे साथ नुमान भाई मौजूद हैं और उनके वालिद साहब अरशद साहब मौजूद हैं। तो नाज़रीन, नुमान भाई एक ऐसी बीमारी में मुबतला है कि जिसका इलाज पाकिस्तान में है ही नहीं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनके वालिद साहब अरशद साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नुमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? आप कैसे हैं? ठीक हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? सर नुमान की ये जो बीमारी है ये कब से स्टार्ट है? बेसिक आप मुझे ये बताइए कि इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम फ्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा। इसमें टू टाइप्स आती हैं, इसमें मिटोसिस वन नहीं है, एक सिंगल होती है। इसमें ये इसकी पैदाइशी है बीमारी तकरीबन बाई बर्थ थी, कुछ अलामत इसके चेहरे पे थी, बर्थ से स्टार्ट बाई बर्थ। हाँ जी, लेकिन चेहरा कम्प्लीट इसका मतलब रेगुलर था, ठीक था, आँख भी खुली थी, सारा सिस्टम ठीक था। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती रही है जी, तो ये इसका सारा चेहरा जो है ना उसकी वजह से डैमेज हुआ। अच्छा, जब आपको पहली मरतबा पता चला कि बेटे को एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज पाकिस्तान में है ही नहीं, तो किस तरह का फील हुआ आपको? बस फील तो देखिए ऐसे ही है कि डिसहार्ट हुआ, परेशानी भी हुई कि अभी पहला बेटा है तो उसके मतलब उसका मर्ज ऐसा है जिसकी इलाज कोई नहीं है। डॉक्टर ने मुझे ही तसल्ली दी, डॉक्टर ने मेरे मानसा हमारे फैसलाबाद में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे ही बिल्डअप किया कि आपने अपना स्टैंड लेना है, अपने आप को मजबूत रखना है सारी लाइफ। ये बीमारी है इसकी, इसका पूरे वर्ल्ड में इलाज कोई नहीं है, और इसके अलावा ये बहुत रेयर होती है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तब उसकी जो थी ना रेशो वो थी कोई 1 करोड़ प्लस बंदे में ना ये होती है, 1-2 बंदों को। अच्छा, इसकी हाँ जी तकरीबन 2 करोड़ में से एक ही आधे इंसान 1 करोड़ में एक बंदे को। तो सुन के परेशानी भी, लेकिन खैर टाइम था, यंग थे, कुछ था, हौसला भी था, ठीक है जैसे अल्लाह की मर्जी है, फाइट करेंगे, करते रहे फाइट करते करते माशाल्लाह जी 24 साल का हो गया, 25 साल का। तो अब नुमान की कितनी एज है? तकरीबन हो गई है 25 प्लस। 25 प्लस हो गई है, 26 तकरीबन जी तकरीबन। तो नुमान, जब स्कूल में या कॉलेज वगैरह में जाते थे तो किस तरह का फील होता था जब लोग देखते थे, लोगों के रिएक्शन क्या होते थे? लोग देखते तो डर जाते थे, खौफ जाते थे, देखते थे, खड़े हो जाते थे, परेशान हो जाते, पूछते। तो कभी दिल भी कोई दुखा हुआ? तो जारी सी बात है, ख्वाहिश होती है कि हम भी आम लोगों की तरह। अच्छा देखिए जी, तब आप जब बात कर रहे हैं बचपन में या स्कूल टाइम में, बच्चा है ना तो इतना फील नहीं होता, तो इस एज के बच्चे भी इतना फील नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, मतलब अब मैं ही इसको लेके आना जाना, मतलब मेरी बड़ी स्ट्रगल है, मैंने इसको मतलब गोद में उठाया इसको लेके, डॉक्टर तो कभी इस हॉस्पिटल, कभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, कभी मतलब कोई न्यूरो सर्जन, कभी किसी के पास, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आप जब जब ये चलने लगा खुद, तो शुक्र अदा के चला कुछ वजन कम हुआ, अपने पाँव पे चलने लगा, लेकिन स्ट्रगल जड़ी है ना थ्रू मेरी चलती रही। तो बाकी जो फीलिंग इसके दोस्तों की है, देखें गोद में उठाया तो देखे बंदे या खवातीन स्पेशली पाकिस्तान में जैसा आपको पता बिल्कुल ऐसा ही है, कोई एक मुनफरिद चीज़ ना तो बड़े हैरानी की तौर देखते हैं कि यार ये पता नहीं क्या है, कोई अलग ही मखलूक है। जब स्पेशली वो रुके पूछते थे ना तो बहुत फील होता, आंखें भर आती थी, ये पूछ के रहे, ये क्यों पूछ रहे हैं। तो जाहिर है एक डिफरेंट चीज़ों के सामने आती है, आपको नजर आती है तो पूछते हैं, कहते हो यार कुछ नहीं, वैसे जरा चूक कर दी है, मसला ऐसा, जैसे इग्नोर करना इसको। तो बाकी बीमारी थी, डॉक्टर साहब भी मतलब फाइनली कुछ उनके जहन में था ही नहीं कि इसका क्या ऐसा ट्रीटमेंट करें कि ये कंप्लीट ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब 10 साल में इसकी मतलब मुकम्मल हो जाए इसका इलाज, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं था। अब कोई उम्मीद की किरण नज़र आई हो? अभी जैसे स्ट्रगल करते करते अभी तो पहले फाइनली इसकी, आपको मज़ेदार बात बताऊँ, ये वैसे ऐसी डिजीज़ है जिसकी अभी तक मेडिसिन कोई रिसर्च मुकम्मल नहीं है, तो मेडिसिन क्या होगी।
मेडिसिन कभी नहीं दी, सर्जरी हुई है तो उसकी मेडिसिन दी है। तो अब जो आगे, खैर मैं कुछ मतलब कंट्रीज़ में, अमेरिका में भी ट्राई किया था, तो फिर इंडिया में सर्जरी के लिए अप्लाई किया था। तो अब जाके जर्मनी में मुझे कुछ नज़र आया, डॉक्टर मेड है वहाँ पे, एक एरोमेडिकल मतलब है सिलसिला उनका, तो वो सिर्फ इसकी मेडिसिन, इसको कंट्रोल करने की बात करें, इस डिज़ीज़ को इसी स्टेज पे रोका जा कितना सकता है। कितना खर्चा आ रहा है ठीक है, टोटल? 64,000 यूरो तकरीबन, दो चौंसठ करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। 64,000 यूरो पाकिस्तानी, तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के करीब है हाँ जी, विदाउट सर्जरी। मतलब हाँ जी, सिर्फ वो ट्रीटमेंट का बता रहा था कि आना जाना मतलब वहाँ पे जो भी है सिलसिला का। वो और भी अलग, सिर्फ 1 माह की मेडिसिन दे रहे हैं डेली, मतलब उनका जो भी प्रोसीजर है उसकी कोटेशन मेरे पास है, पूरी डिटेल्स मेरे पास है, तो उसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। तो बाकी ये इस डिज़ीज़ की प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पूरे ज़ोर से दोबारा मतलब अच्छा ये जो निकलती बीमारी है, है ये कब से स्टार्ट होने बढ़ना शुरू हो गई थी? ये एक तकरीबन साल का भी नहीं हुआ था जब भाई बर्थ, इसकी लामा तो थी आँखें में कमल ठीक है, तो देखे ना इसकी पल के वो अपो अप एंड डाउन जो भी है इसका सिलसिला खोलने का, वो तो ख़त्म हो चुका है। अब जैसे ये ढकी हुई है नज़र नहीं, नज़र ठीक है अभी, लेकिन अब वो खोल नहीं सकता, लेकिन कुछ अरसा और बाद ऐसे ही पड़ी रही तो ये ज़ाया हो जाएगी। आग भी ज़ाया हो हाँ जी, जाएगी। और इसके अलावा बेड लगी है कि है, तो ये बैरूनी बीमारी दे स्किन की डिजीज़ है, लेकिन ये हमारे साथ स्पेशली बेड लगी है रही के आँख के साथ ना, ये मूव करके इसका ट्यूमर थोड़ा सा ब्रेन के नीचे बिल्कुल बेस में मौजूद है, तो उसको भी रोका हुआ है। मतलब कि अगर वहाँ पे, अगर बाहर इतना डैमेज किया तो अंदर क्या हाल होगा, मतलब अंदर वैसे ही सेंसिटिव पार्ट होते वैसे हैं, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ नीचे थोड़ा सा उसका एक ट्यूमर मौजूद है, तो उसके लिए भी बड़ी कोशिश की। फिर रहमान साहब ने कहा था कि ना कराची में कुछ रेस आई है, मतलब NMI सेंटर है वहाँ पे, तो इसको वो वाली अप्लाई करवाए ताकि अंदर वाला जो है ना वो रुक जाए, बाहर वाले को फिर बाद में देखते रहेंगे। तो वो भी अप्लाई की हुई है, वो तकरीबन 2011 में करवाई थी अप्लाई, तो उसके बाद ठीक है, रूटीन वाइज चेकअप भी चलता रहा है दो अच्छा तीन ये दफ़ा। कितने अरसे बाद बढ़नी शुरू हो रही है? फर्स्ट जो फर्स्ट पीरियड था ना इसका पीरियड बचपन से, ना जी वो बड़ी रैपिडली थी, मतलब स्पीड के साथ बढ़ी है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब जो प्रोसेस चल रहा है ये मतलब नेचर पे डिपेंड करता है, इसकी स्पीड इसमें कंफर्म नहीं है, ये कितनी स्पीड से बढ़ेगी, कितने अरसे में कितना वॉल्यूम बन जाएगा, ये वैसे स्लो ही नुमान बढ़ रही है। फिजिकली तौर पे बिल्कुल ठीक हाँ, है। मेंटली ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, और लेकिन कोई भी किसी टाइम पे भी इसकी ये ना इसमें एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, जैसे कि बोलना बंद हो जाना, आँख की नज़र का चला जाना, कुछ कोमे में चला जाना, वो भी उस ट्यूमर की वजह जो ब्रेन के नीचे जो ब्रेन के, कान वो होगा ब्रेन के उससे साथ ना इफेक्ट एन, हो हाँ रहा है, जी, उसकी वजह से इसको कुछ भी मिस हो सकती है, हो सकती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र वो जब से रेज अप्लाई की थी ना वो स्टेबल है, जी उसमें तो ग्रोथ नहीं हुई जितनी बाहर हो रही है ना उसकी, नहीं हुई, ये अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन फिर भी उसको ख़त्म तो करना पड़ेगा। नाज़रीन नुमान ऐसे लोगों के लिए कि यही कह सकते हैं कि सब है क्या कि जो बीमारी से तंग आके मांगना शुरू हो जाते हैं या तो कोई खुदकुशी की तरफ चले जाते नहीं, हैं, ऐसी बीमारी होती है, तो नुमान तो उनके लिए फिर एक सबक है ना, बिल्कुल ये भी एक बड़े हौसले से, खैर हौसले। मैं अभी बताऊं, ये मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा इसलिए मैं इसकी तारीफ करूंगा, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा है, बड़े मतलब मुझसे ज़्यादा मेहनती भी है, और ऑफिस संडे को भी मतलब वो कॉल करते हैं तो जाना पड़ता है, जैसे बेसिक काम जॉब क्या मेरी करते जॉब हैं करता है आप? ये लेपर्ड कोरियर में, लेपर्ड तो मैं हाँ कोरियर। जी ऑफिस जॉब है, तो बस ठीक है थोड़ी सी सैलरी पे गुजारा करता है, लेकिन मेहनती बहुत है, और एक सबसे बड़ी बात इखलाक का बहुत अच्छा है, सबके साथ ताल्लुक बड़े अच्छे हैं, जिससे मिलता है वो इसकी तारीफ करता है। अच्छा वो कहते हैं ना कि इंसान अपने अखलाक को ऐसा बना दे कि खुशबू लगाने की जरूरत ना हाँ, हो, खुशबू लगा तो दे। जो अंदर का अखलाक है ना वो बताए कि यार इसकी खुशबू हाँ अच्छी नहीं, है। अल्लाह का शुक्र इस वजह से नहीं कि यार वो हमदर्दी करते हैं, लेकिन वैसे भी अखलाक इतना अच्छा है कि मतलब बड़ी मतलब एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग दूर दूर से भी कभी कभार भी मिले हैं, देर बाद मिले हैं, आके तारीफ करते हैं कि यार आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, क्या बात। तो ये मतलब खुशकिस्मती अल्लाह का शुक्र है, वरना ये चाहता तो क्या नहीं कर सकता था मेरे साथ, बेशक ऐसे बिल्कुल कुछ भी लाइफ में डिसार्ड हो गया, कुछ भी कर सकता, नशा कर सकता था, मतलब बैड कंपनी मतलब इसको मिल जाए तो पता जाने क्या बनता, मैं क्या कहूँगा इसको, तो थप्पड़ मारने की जगह भी नहीं चेहरे पे, कहाँ मार। अच्छा अर्शद साहब, आपने किसी एनजीओ से बाहर रब्ता किया हो, कोई JDC या कराची में उनके साथ रब्ता किया हो ताउन के लिए? जी मैंने JDC से अप्लाई किया था,
बात भी हुई थी एक तो फाल नहीं जी चलना, कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, उसके अलावा मुख्तलिफ लोगों से, जैसे कि ये मतलब एक लंबी बीमारी महंगी बीमारी है, तो लेकिन जब अब तक जितनी भी ट्रीटमेंट हुई है ना, अल्लाह का शुक्र है, कुछ मेरे कज़न दोस्त मतलब रिलेटिव्स काफ़ी मुझे लोगों ने मतलब सपोर्ट प्यार किया। किया, सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से यहाँ तक मैं पहुँचूँ। अभी चूँकि बजट बहुत लंबा चला गया है तो मैं इसको 3 करोड़ तक नहीं बजट चला गया। हाँ जी, मैं अब मतलब अकेला, मैं भी जॉब पे हूँ, बच्चा भी जॉब पे है, तो इसे मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब तक की भी मतलब जितनी भी स्ट्रगल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अजीज़ों का अरब हैं, दोस्त अहबाब मेरे बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा हमेशा ही कोऑपरेट किया। तो अब तो आ रहा उनके भी कंट्रोल में नहीं है जो पहले हेल्प आउट करते रहे हैं। बाकी एनजीओ से मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो कुछ अप्लाई तो मतलब हर जगह किया है लेकिन ये अब दायरे से बाहर है। बाकी नाज़रीन, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है मरियम नवाज़ साहिबा की, स्पेशल तौर पे नून लीग की जो हुकूमत हमारी चल रही है, उनसे स्पेशली अपील है कि इनकी हेल्प की जाए। तो जो भी हम इनका मेंशन वगैरह कर देंगे, अकाउंट वगैरह, जो भी इनकी हेल्प करना चाहता है, इनसे मिलना चाहता है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप सभी से, इंसानियत के तौर पर आप इनकी हेल्प करें, ताकि एक बाप बच्चे के लिए कितना कर सकता है। जो नुमान की बीमारी की लागत है वो तकरीबन 3 करोड़ से भी प्लस है, इनके 100 अखराजात है। तो बाकी आप अपने जो भी अकाउंट वगैरह मेंशन कर दें, अगर कोई आपसे रابطہ करना चाहे वो किस तरह कर सकते हैं, तो बाकी हमसे रابطہ नहीं करना, आपने इनके साथ रابطہ कर लेना है, तो इनका जो नंबर है वो नीचे लाजमी मैंशन होगा। जी, मैं स्क्रीन के नीचे अपना नंबर भी सेंड कर दूँगा, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप और अपना जैस कैश, और स्पेशली मैं अपना अभी तक की मतलब स्ट्रगल में ना मैं मेंटली भी और फिज़िकली भी बड़ा थक चुका हूँ। मेरा एक सिंगल बेटा है, एक ही बेटा मेरा है, मैंने अपनी लाइफ इसके लिए वक्फ की हुई है। तो मेरी मौजूदा गवर्नमेंट सीएम साहबा मरियम नवाज़ साहबा और मैं मतलब मियाँ बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सबसे अपील करता हूँ प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मेरे साथ इसके इलाज में मतलब जैसे भी हो सकता है, जैसे भी पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ करवाएं, बाहर करवाएं, जो भी है, अब इसको मतलब कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरी बड़ी लाइफ स्ट्रगल रही है, 25 साल से मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ, तो बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आप अपना कोई नंबर बता दें। जी, मेरा नंबर है 0323-6072178, 0323-6072178। अच्छा, ये आपका ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कोई भी बात करना चाहे मुझसे इस नंबर पे तस्दीक कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी नाज़रीन, इनका जो हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, वो भी इनकी अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं, तो इनका जो बैंक अकाउंट है वो भी हम नीचे मेंशन कर देंगे, और दूसरा अर्शद साहब का नंबर भी मेंशन कर देंगे, ताकि आप इनके साथ डायरेक्ट रابطہ कर सके। तो इसी पॉडकास्ट के साथ हमें इजाज़त मिल जाए मगरी होमकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।